देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 3 अवार्डीज का बोरीवली सेवा केंद्र पर सम्मान, बीके शिवानी ने दी शुभकामनाएं। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र पर विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 3 विशेष अवार्डीज का सम्मान हुआ। इस खास मौके पर मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 सौम्या बनर्जी, भारत आइकॉन अवार्ड बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस से सम्मानित नित्या मोयल, आइकॉनिक हेल्थ केयर लीडर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर त्रिनंजन बसु मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्हें जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने ऑनलाइन बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ अवार्ड ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि अनेकों की दुआएं ली है। अपनी डिविनिटी से, प्योरिटी से, बाबा की वाइब्रेशन अपने कर्मों द्वारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो सिर्फ अवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं ही आत्मा की शक्ति को इतना बढ़ाती है कि वो आगे और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके देव प्रभा ने अपनी शुभकामनाएं दी और सभी को सम्मानित किया। इस दौरान नित्या मोयल ने इस अवार्ड के लिए विशेष परमात्मा का धन्यवाद किया और अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे हर शूट के पहले परमात्मा को याद करती थी और परमात्मा शिव की याद से उसे शक्ति का अनुभव होता था। मैं जब भी किसी शूटिंग पे जाती हूँ तो मैं पहले सबसे पहला शॉट देने से पहले मैं बाबा से याद करती हूँ, और जाने से पहले मैं बाबा से याद करती हूँ, और बाबा मुझे शक्ति देते हैं तो मेरी शूटिंग अच्छे से होती है, और फिर इसीलिए मेरे को बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड भी मिल गया। इसके साथ ही फेमस सिंगर और नित्या मोयल के फादर हरीश मोयल ने भी परमात्मा का आभार माना और गीत से सभी को परमात्मा की याद दिलाई। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाते हैं। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अंत में सभी उपस्थित अवार्डीज ने ब्रह्मा कुमारी इसमें आने की खुशी जाहिर की। धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, बाहें साथ मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।